वेलकम फिजिक्स आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं चैप्टर फर्स्ट का। न्यूमेरिकल है कंप्यूट द फॉलोइंग विथ रिगार्ड्स द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रेस्पेक्ट में कुछ आंसर हमें कैलकुलेट करने हैं। वैल्यूज आपके पास है। फर्स्ट है आपके पास 2.51 मल्टीप्लाई 10^-4 मल्टीप्लाई 1.81 मल्टीप्लाई 10^7 अपॉन 0.4463। मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी, ठीक। ये ऐड वाला है और ये मल्टीप्लाई वाला है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो आप इसमें देखेंगे तो 2.51 मल्टीप्लाई 10^-4 जो 4 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितने हैं बेटा। देखिए 10^ पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कभी भी सिग्निफिकेंट जो फिगर्स है उसमें काउंट नहीं होती है। ये रूल्स है, इसका हमने पढ़ा दिया, आपको बता दिया है। उसके बाद जो नंबर्स हैं इनको देखिए, 2.51 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए इसमें 1, 2, 3, तो इसके सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं 3। जो सेकंड वैल्यू है वो है इस क्वेश्चन की 1.81 मल्टीप्लाई 10^7, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए क्या हैं। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए तो 10^ जो पॉजिटिव 7 है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। तो उसके बाद जो आपके पास नंबर है 1.81, तो ये तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 3। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 0.4463, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं क्या है बेटा। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें देखिए, पॉइंट के जस्ट जो पहले 0 है वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 4, ठीक है। इसका मतलब इस देखो, मल्टीप्लाई तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। ये तो आपने 10 तक मैथ में कर रखा है। जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जब इसका मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा, वो इम्पोर्टेंट। तो कितने में आएगा, तो देखो 1 के 3 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके भी 3 हैं, इसके 4 हैं। जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जिस भी वैल्यू के, इसमें उसी में आंसर कैलकुलेट किए। तो मिनिमम कितना है बेटा, 3। 3 से मिनिमम कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जो आंसर आएगा, इसका मतलब जो आंसर आने वाला है आपका आंसर, वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा, 3 में। क्लियर है, देखिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका मल्टीप्लाई जो है, मैं आपको, आप घर पे मल्टीप्लाई करके देखना और डिवाइड करके देखना। तो इसका जो मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। आपको घर पे इसको सॉल्व करना है तो आंसर आएगा इसका 10.17। मैं यहाँ मल्टीप्लाई आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट जो फिजिक्स इसमें लग रही है, फिजिक्स कहाँ यूज हो रही है इसमें, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 10.1795 मल्टीप्लाई 10^3 इसका ये आंसर आता है जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करें। घर पे करके देखना, घर पे सॉल्व करना है और देखना ये वैल्यू आ रही है क्या आपकी, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू आ गई है, अब हमें आंसर निकालना है। आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10^ तो काउंट नहीं होता, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स 6 है। और हमारा आंसर कितने में आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 3 में। तो क्या करें, राउंडिंग ऑफ कर देते हैं इसका। राउंडिंग ऑफ कहाँ से तक होगा, यहाँ तक होगा। तो यहाँ तक राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या जाएगा बेटा, देखिए इसका राउंडिंग ऑफ 795 जो आपके पास वैल्यू है, 795 इसको देखिए, इसकी बेस वैल्यू क्या है, इसकी बेस वैल्यू होगी 1000 और 1000 का हाफ होता है 500। अब जो 500 वैल्यू है, इससे अगर ये वैल्यू मोर देन है, ग्रेटर है, तब तो यहाँ पे 1 राइज कर देंगे
और अगर लेस देन है तो ऐसे कैसे रह जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपके पास जो 795 है वो 500 से मोर देन है, मोर देन है तो क्या जाएगा बेटा, तो यहाँ से वन राइज कर देंगे, वन राइज करेंगे तो वन और वन टू हो जाएगा 10.2 मल्टीप्लाई 10^3। क्लियर है? इसका मतलब आप देखिए यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 3। तो हमें आंसर भी कितने में लेके आना था, 3 में लेके आना था, 3 में लेके आना था, तो इसका आंसर आ गया 10.2। क्लियर? अब देखिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में भी देखिए फटाफट करते हैं इसको सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन है 6.2 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपके वो इसमें है 2। इसमें बताइए 4.33 ग्राम में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है बेटा, 3। और नेक्स्ट है 17.456 ग्राम, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5। देखो ध्यान से, ये सब मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा है, आपको ये बताना है इसमें कि भाई आंसर जो आएगा इनका ऐड करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों वैल्यूज़ को, तो आंसर किस में आएगा, तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है उसी में आंसर आएगा। तो मिनिमम कितना है, तीनों वैल्यूज़ में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2, तो आंसर किस में आएगा, 2 में, तो ऐड करो इसको। तो भैया ऐड करेंगे तो मैं ऐड आपको करके बता देता हूँ फटाफट, आपको घर पे करना है, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता रहा हूँ आपको। ऐड करते थे इसका आंसर आता है 27.986 ग्राम, ये इसका आंसर आ गया। आंसर देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं 5। आंसर कितने में लेके आना है हमें, 2 में, तो क्या करें इसका राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो इसका, देखो इस कंप्लीट का राउंडिंग ऑफ हो तब इसका जो आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आए। ठीक है, तो 986 की बेस वैल्यू है 1000 और 1000 का हाफ होता है 500, 500 से वैल्यू अगर मोर देन है तो यहाँ पे 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 इंक्रीज करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 28 ग्राम में। देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, तो इसका राउंडिंग ऑफ करने के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है आपके पास, इसको देख लीजिए, इसमें आपके पास 943 जो है इसमें एसएफ कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर 3, और इस वाले में देख के बताओ 0.00345 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा, ध्यान से देख के बताओ, ये रूल लग रहे हैं इसमें, अरे बताओ रे, हाँ ना तो इधर के जीरो काउंट होंगे ना इधर के, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा, 3 में आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देखो, दोनों को मल्टीप्लाई से आंसर नंबर 3, दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आंसर आता है 3.25 समथिंग। क्लियर है, 3.25335। अब हमें आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आना है, हमें आंसर लेके आना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, 3 में लेके आना तो क्या करें भाई, 3 में लेके आना तो यहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना होगा हमें, यहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना होगा, तो इसकी बेस वैल्यू बताओ कितनी है, 3 नंबर है तो 1000 होगी, अरे नहीं क्या, 1000 का आप 500 वैल्यू 500 से लेस देन है तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, नहीं होगा तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाए 3.25। इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3.25 में 3, इसका मतलब हमने जो कैलकुलेट किया आंसर वो राइट है 3.25। ठीक है, इस तरह से ये जो क्वेश्चंस है सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड इनको हम सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। जो भी वीडियो हमारे आरसीआई की चल रहे हैं उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।